जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी जीडी के मॉडल सेट पेपर। इससे पहले हमने 9 सेट पेपर कर लिए हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं मॉडल सेट पेपर नंबर 10। जैसा आपको पता है, इसको कुल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है और 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। आइए बढ़ते हैं हमारा पहला सेक्शन। पहला सेक्शन क्या है हमारा? जनरल नॉलेज का सेक्शन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, विच कंट्री विन द मोस्ट मेडल्स इन द ओलंपिक्स इन 2016। वर्ष 2016 निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा था? 2016 का ओलंपिक्स कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो में, रियो ओलंपिक्स के नाम से फेमस हुआ था ये। और अगर हमारा क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा मेडल्स किसको मिले थे, तो सबसे ज्यादा मेडल मिले थे यूएसए को। कितने मिले थे यूएसए को? सबसे ज्यादा मेडल मिले थे 121। सेकेंड नंबर पे ब्रिटेन 67 एंड देन चाइना। तो क्या आंसर है हमारा इसका? बी, यूएसए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो कि हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन केस ऑफ। किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? पहली बात तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? देखिए क्या होता था ना, हमारे देश में ये 1960s की बात है, उस समय पर ना जो पैदावार थी हमारे फूड रेंज की वो बहुत कम होती जा रही थी। तो उस टाइम पर हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि हमने मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करना स्टार्ट किया, हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ जो हमारी जो पैदावार थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज़्यादा किस केस में सफलता मिली थी, वो थी वीट, गेहूं के केस में ज़्यादा मिली थी। तो क्या आंसर इसका? ए, गेहूं इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि हमारा, द टर्म अपार्टहाइड इज रेफर्ड टू। रंगभेद का अर्थ बताइए। रंगभेद मतलब किससे रिलेट करता है या क्या है रंगभेद? रंगभेद का मतलब क्या है? जो आपका रंगभेद है ना, आपकी स्किन के ऊपर, आपके स्किन के कलर के ऊपर अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है, उसको बोलते हैं रंगभेद, अपार्टहाइड। ये ज्यादातर होता साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे क्या था, जो काले लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले नेटिव पीपल थे काले लोग, उनके साथ रंगभेद किया जाता था। जो साउथ, जो अमेरिकन लोग थे जो वहाँ पे आके बस गए थे, गोरे लोग, वो उनके साथ रंगभेद की नीति अपनाते थे। मतलब जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो एक बस है, उस बस में आगे का हिस्सा अंग्रेजों के लिए, सॉरी आगे का हिस्सा जो गोरे लोग हैं उनके लिए, और जो पीछे का हिस्सा है वो कालों के लिए। आगे का हिस्सा एकदम खाली खाली सा, कुछ ही लोग हुआ करते थे, और पीछे एकदम भरा पड़ा है, क्योंकि भी काली, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है काली सी ज़्यादातर, तो भरा पड़ा है। इस तरह से ना अपार्टहाइड बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो वो किससे डिस्क्रिमिनेट करता है हमारा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आपका ये आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव। तो क्या आंसर इसका? ए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा चौथा क्वेश्चन जो कि हमारा, मैकबेथ इज अ फेमस ड्रामा रिटन बाय विच ऑथर। मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है? ये है आपके शेक्सपियर। शेक्सपियर ने इस जो अब ये नाटक था इसको लिखा था। तो क्या आंसर इसका? और ये पब्लिश कब हुआ था? ये पब्लिश हुआ था, पब्लिश इन 1623। क्या आंसर है इसका? बी, शेक्सपियर का आंसर हो गया। बढ़ते हमारा पांचवा क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है? वो है आपकी नर्मदा। नर्मदा नदी आपके अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार आपके मध्य प्रदेश में है, एमपी में है ये। और बात करूंगा इसकी ट्रिब्यूटरीज की, बात नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है यहाँ पे? ओगरांग, बर्मा, रोलर, कोलार, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपके पेनिनसुला इंडिया की। कौन कौन से स्टेट से होती निकलती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और तो सरदार सरोवर डैम है वो भी इसी रिवर पर ही है। तो क्या आंसर इसका? डी, नर्मदा इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा छठा क्वेश्चन जो कि हमारा, विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वो है आपकी गोविंद सागर। पूरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसको आप रिहान डैम के नाम से जानते हो। लार्जेस्ट डैम है इंडिया का वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो। कहाँ पे है ये? ये यूपी के सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। क्या आंसर इसका? डी, इसका आंसर हो गया। बढ़ते सातवां क्वेश्चन जो कि हमारा, वर्ड द ड्यूरेशन ऑफ जीरो आवर इन लोकसभा। शून्यकाल में अवधि लोकसभा की कितनी होती है? ये होती है आधे घंटे की, हाफ एन आवर की होती है। 12 बजे स्टार्ट होता है, आधे घंटे का होता है। होता क्या है इसमें, बेसिकली इसमें जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो अपने क्वेश्चंस, अपने इश्यूज अराइज कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया कि आपको आधे घंटे की है, तो इसमें टोटल 3 मिनट का समय मिलता है एक एमपी को। तो जैसा आप बता सकते, कैलकुलेट करोगे, तो इसमें टोटल वो 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या आंसर है इसका? सी, हाफ एन आवर इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा आठवां क्वेश्चन जो कि हमारा, द यूएनओ केम इन टू एक्जिस्टेंस इन विच ईयर। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1945 में। अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो वो है आपका 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। इसकी बात करोगे तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, ताकि हमारे पूरे वर्ल्ड में पीस रहे, शांति रहे। इसमें टोटल 5 ऐसी कंट्री हैं जो इसकी परमानेंट मेंबर्स है यूएनओ की। वो 5 कंट्रियाँ कौन कौन सी है? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, देन आपका चाइना, एंड एट लास्ट वन आपका रशिया। ये 5 कंट्रीज की परमानेंट कंट्रीज है, और बाकी कुछ कंट्रीज इसकी नॉन परमानेंट कंट्रीज है। तो क्या आंसर इसका? बी,
1945 इसका आंसर हो गया। पढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन जो कि हमारा, द नेम दक्षिण गंगोत्री इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। दक्षिण गंगोत्री का संबंध किस में से किससे है, वो है आपका अंटार्कटिका से। कैसे, तो आपका दक्षिण गंगोत्री है ये हमारी ये नाम दिया गया था, हमारी पहली साइंटिफिक बेस स्टेशन है हमारा ये इंडिया का, हमारा फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन है इंडिया का। कहाँ पे है ये, अंटार्कटिका में, जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री है। बताऊँ इसकी लोकेशन ऐसे बताऊँ तो ये 2500-2500 किलोमीटर दूर है फ्रॉम साउथ पोल से। ठीक है, क्या आंसर है इसका, सी अंटार्कटिका का आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे 10वां क्वेश्चन जो कि हमारा, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन से भारत किसका सदस्य नहीं है, इंडिया आशियान का सदस्य नहीं है। आशियान के बारे में बताऊँ तो आशियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इन कंट्रीज का एक समूह है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1967 में, इसको फाउंडेड किया गया था। इसमें टोटल अभी प्रेजेंट में 10 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसमें सारी कंट्रीज वही मेंबर है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे लाइक कि आपका म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, ये लाओस, ये सारी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। तो क्या आंसर इसका, ए आशियन इसका आंसर हो गया। पढ़ते हैं हमारे 11वां क्वेश्चन जो कि हमारा, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है। जैसे आपको पता है सबसे लंबी नदी है नील, नील की एग्जैक्ट बताऊँ तो नील की जो एग्जैक्ट लेंथ है वो है आपकी 6650 किलोमीटर। सेकेंड नंबर पर आता है अमेजोन, अमेजोन की है 6400 किलोमीटर, वो काफ़ी छोटी है। तो क्या आंसर है इसका, सी नील इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय इंडिया इंडिजिनियसली। भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए कौन सा है, वो आपका तेजस, जो तेजस है वो इंडिया का खुद सेल्फ डेवलप्ड LCA है। इसकी बात करो तो जो आपका HAL तेजस है ये इंडियन मल्टी रोल लाइटर फाइटर डिजाइन बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको डिजाइन किया था। 2030 में इसका ऑफिशियली नाम तेजस कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, डी तेजस का आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन जो कि हमारा, लोथल इज हिस्टोरिकल साइट ऑफ। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है, ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका ऐतिहासिक स्थल है। अभी प्रेजेंट में बताऊँ तो जो लोथल है वो आपका अहमदाबाद से 80 किलोमीटर लगभग दूर पड़ेगा, अगर एट प्रेजेंट आप लोथल देखना चाहोगे तो। क्या आंसर इसका, सी इंडस वैली का आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 14वां क्वेश्चन जो कि हमारा, वट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं है, तुम सिंपल डॉलर भी बोल सकते हैं, बट याद रखना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो वैल्यू है इंडियन रुपीज के मुकाबले वो है आपकी 56.85 रुपीज़। ठीक है, तो क्या आंसर इसका, ए डॉलर का आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे 15वां क्वेश्चन जो कि हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। निम्न से कौन सा भारत रत्न सम्मानित नहीं हुआ है, तो राजीव गांधी को भारत रत्न मिला था, बिल्कुल मिला था। कौन से ईयर में मिला था, इनको मिला था 1991 में। जीआरडी टाटा को मिला था, बिल्कुल मिला था 1992 में। मदर टेरेसा इनको भी मिला था 1980 में। तो मतलब इसका आंसर क्या है, डी नन ऑफ दिस का आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला सेक्शन खत्म होता है, आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ जो कि आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर टेम्परेचर, जलवाष्प संघनन में तापमान का क्या होता है, तापमान आपका घटता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कंडेंसेशन घटता है। तो ऐसा कह सकते हो कि अगर कंडेंसेशन बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घटेगा। तो क्या आंसर इसका, ए इसका आंसर हो गया। 17वां क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, वो आपकी स्किन, जो त्वचा है सबसे बड़ा अंग है। इसकी एग्जैक्ट बताऊँ तो जो एक एडल्ट में लगभग लगभग 3.6 किलो की स्किन होती है, और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो वो 22 स्क्वायर फीट की होती है लगभग। ठीक है, क्या आंसर इसका, बी स्किन आंसर हो गया। बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ वाटर फ्रीजेस इन अ वाटर बॉडी देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉडी इन कंपेरिजन टू इट सर्फेस। यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान सतह की अपेक्षा क्या होगा, वो उसकी अपेक्षा बढ़ेगा, अधिक होगा। दोबारा बताओ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अगर वाटर फ्रीज हो रहा है एक वाटर बॉडी में, तो जो टेम्परेचर है नीचे का और जो सर्फेस के ऊपर का है उसका अंतर क्या होगा। तो अगर जलाशय में पानी जम रहा है तो पानी के जो तल का तापमान है वो ऊपर की अपेक्षा ज़्यादा होगा, तभी तो जम रहा है। क्या आंसर इसका, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते 19वां क्वेश्चन जो कि हमारा, विच पार्टिकल इज रेडिएटेड बाय द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव को उत्सर्जित करता है, वो आपका बीटा। ऐसा क्यों होता है, बीटा को करता है वो क्योंकि जो इसका एन अपॉन पी रेशियो होता है, मतलब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए करता है। तो क्या आंसर इसका, बी बीटा इसका आंसर हो गया। बढ़ते 20वां क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट कॉजेस चिकन पॉक्स, चेचक की बीमारी किससे होती है, ये होती है वायरस से, मतलब वायरस से फैलती है।
और इसमें बेसिकली होता क्या है, कह सकते हो चिकन पॉक्स से आपके शरीर पे दाने पड़ने लग जाते हैं, तो क्या आंसर इसका डी, वायरस का आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 21वें क्वेश्चन, जो कि हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन इन द बॉडी इज, लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है हमारी बॉडी में किसके फॉर्म में, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, आपका खून में जो लाल होता है, रेड पिगमेंट होता है एक आरबीसी का, जो आपका खून लाल होता है वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, तो क्या आंसर इसका ए, हेमोग्लोबिन इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन, जो कि हमारा इन विच टाइप ऑफ वाटर सोप डज नॉट फॉर्म फॉर्म, साबुन किस पानी में झाग नहीं बनाता, तो हार्ड वाटर में साबुन झाग नहीं बनाता, इसका रीजन है वो जो सोप होता है, जो साबुन होता है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम्स आयन मैग्नीशियम्स आयन जो इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, तो क्या आंसर इसका ए, हार्ड वाटर इसका आंसर हो गया। हार्ड वाटर एग्जाम्पल बताऊँ तो जो आपका समुद्र का पानी है वो हार्ड वाटर में आता है, सी वाटर, ठीक है। पढ़ते हमारा 23वां क्वेश्चन, जो कि हमारा हु इज द इन्वेंटर ऑफ फोर्स, बल का आविष्कार कौन है, बल का आविष्कार है न्यूटन, तभी आप बोल सकते हो जो फोर्स की यूनिट है, फोर्स की जो यूनिट है वो आपकी न्यूटन भी है और केजी मीटर पर सेकेंड भी है, तो याद रखना है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसलिए न्यूटन इसके, आप ये भी एक रीजन है। बाकी फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी, कितनी जो उस वैल्यू का मास क्या है और वो किस वेलोसिटी से गया, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए सॉरी, तो क्या आंसर इसका सी, न्यूटन का आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 24वां क्वेश्चन, जो कि हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 70%, 70% एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पानी होता है, तो क्या आंसर इसका सी, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते 25वां क्वेश्चन, जो कि हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो होता है D2O, D2O या डी माने डेंट्रियम है। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें क्या होता है जो एच एटम्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं ड्यूट्रियम से, और ड्यूट्रियम क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, H2O, क्या आंसर इसका डी इसका आंसर हो गया। बढ़ते 26वां क्वेश्चन, जो कि हमारा फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब भी आप बात करते हो हाइट की, कभी भी बात आती है हाइट की और आप बात आ रही है उसमें एनर्जी की मोशन की ऊपर की कुछ एनर्जी फॉर्म हो रही है, तो वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या आंसर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, MGH, MGH पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और बात आती है काइनेटिक एनर्जी की, तो वो होता है हाफ MV2, तो क्या आंसर इसका ए, MGH का आंसर हो गया। बढ़ते 27वां क्वेश्चन, जो कि आपका विच गैस इज यूज इन द किचन, रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है LPG, LPG माने लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हमारे घर में जो सिलेंडर आता है तो उसमें जो कौन सी गैस भरी होती है, वो LPG भरी होती है, क्या आंसर इसका पी, LPG इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 28वां क्वेश्चन, जो कि हमारा सोडियम क्या है, सोडियम आपका एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, सोडियम के बारे में बताऊँ तो सोडियम का जो सिंबल है वो होता है Na। अब आप बोलोगे सोडियम का Na क्यों है, क्योंकि सोडियम का एक नाम दूसरा नाम होता है वो होता है नेट्रियम, तो उस नेट्रियम के नेम से इसका नाम इसका लिया गया है यूनिट जो सिंबल है Na, ठीक है, तो क्या आंसर इसका सी, एलिमेंट्स का आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 29वां क्वेश्चन, जो कि हमारा लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये एक डिस्टेंस की इकाई है, दूरी की, एक डिस्टेंस लाइट ईयर क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। एक लाइट ईयर की अगर मैं आपको बताऊँ वैल्यू एग्जैक्ट क्या बननी चाहिए अगर किलोमीटर में, तो वो होती है 10^9 × 10^12 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट एक लाइट ईयर की मतलब किलोमीटर वैल्यू बनेगी, क्या आंसर इसका ए, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। बढ़ते हमारा 30वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक कौन सा आपका, इनमें से एक एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, कई बार एक जो फेमस है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो आपका एक एंटीबायोटिक बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन में आता है, तो यहाँ पे पेनिसिलिन नहीं है, यहाँ पे एम्पिसिलिन है, तो एम्पिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक ही है, तो क्या आंसर इसका ए, एम्पिसिलिन इसका आंसर हो गया। यह हमारा सेक्शन भी खत्म होता है, अभी बढ़ते हमारा लास्ट सेक्शन सी, जो कि आपका मैथमेटिक्स, हमारे 31वां क्वेश्चन कहता है कि एक आपको सीरीज है कि आपको पूरी करनी है, क्या कहता है, 5, 25, 6, 36, 7 का क्या बनेगा, 8 का 64, तो 5, 25, 6, 7, 36, 7, 37, 49, क्योंकि 8, 64 बना हुआ है, तो क्या आंसर हुआ इसका डी, 49 आंसर हो गया। बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन, जो कि हमारा राहुल बाउटा कार फॉर RS 2,50,000, ही सोल्ड द कार फॉर RS 3 लाख, ईयर लेटर इंडिकेटेड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, राहुल ने कार खरीदी 2.5 लाख रुपए की, चलो लिख दिया हमने, उसने बेची 3 लाख रुपए की, चलो मैंने ये भी मेंशन कर दिया, प्रॉफिट कितने का होगा, एसपी माइनस सीपी मतलब हो गया उसको 50,000 का इसको प्रॉफिट हुआ, निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रॉफिट है आपका 50,000, सीपी है आपका 2,50,000 मल्टीप्लाई में 100, तो अगर आगे बढ़ोगे तो 50 ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से काटोगे तो 20, कितना हुआ है उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, क्या आंसर है इसका सी, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन, जो कि हमारा
राम स्कोर 45 आउट ऑफ 50 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए, प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, कितना बोला है 45 आए हैं 50 में से, क्या निकालना है परसेंटेज, तो हो गया 45 आउट ऑफ 50, 1, 2 कितना हुआ 90%, क्या आंसर हुआ इसका, उसको कितने नंबर मिले 90% मिले। बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन, जो कि हमारे कहते हैं इफ ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1 है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी ए स्क्वायर माइनस में 3bc प्लस में 4ac। ए की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 1, 4 इंटू ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 1, तो 4 माइनस में 12 प्लस में 8, क्या आंसर हुआ माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू हो गया 0, तो क्या आंसर है इसका सी, 0 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 35वां क्वेश्चन, जो कि हमारा साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 12 एंड 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आयत की भुजा दे रखी है 12 और 8 की, आयत का परिमाप निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस बी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 इंटू में एल के बदले में 12, बी के बदले में 8, 2 इंटू में 12 और 8 होता है 20, तो आंसर हो गया 40 सेंटीमीटर, क्या आंसर हुआ इसका सी, सी आंसर हो गया। बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन, जो कि हमारे कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 50 है, चौड़ाई 10 है, आयत की लंबाई निकालनी है, जिस तरह अपने फॉर्मूला पढ़ा, तो फॉर्मूला कहता है पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू में एल प्लस बी, ये है 50, दो गुना लंबाई पता नहीं, चौड़ाई है 10, दो गुने में यहाँ के बट्टे पे हो जाएगा एल प्लस में 10, 25 बराबर एल प्लस में 10, 25 माइनस 10 बराबर एल, एल की वैल्यू होगी 15, क्या है ये सेंटीमीटर, तो क्या आंसर है इसका सी, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 37वां क्वेश्चन, जो कि हमारे कहते हैं सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू माइनस 1, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1, कुछ कॉमन नहीं हो रहा ना, तुम क्या करते हैं, इसका क्या है 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसका क्या है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या बनेगा 6x प्लस में 9y इज इक्वल टू में माइनस 3, इसको करोगे 6x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 2, सॉल्व करो, कट गया 5y इज इक्वल टू माइनस 5, वाई माइनस 5 से 5 कट गया, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1, ठीक है, तो y तो मिल गया माइनस 1, मतलब एक तरह से हमारा आंसर तो मिल गया, लेकिन हमें क्रॉस चेक करना है, तो इसको मैं पुट कर दूंगा किसी भी क्वेश्चन, मान लो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो 2x प्लस में 3 इंटू में माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, 2x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1, क्या आंसर हो गया ए, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन, जो कि हमारा 40% ऑफ 200 इज इक्वल टू हाउ मच, 40% ऑफ 200 कितना होता है, 202 कट गया, कितना हुआ 40 × 80, 80 इसका आंसर हो गया ए, ए इसका आंसर हो गया। 39वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक सीरीज दे रखी है, बताना है कि क्या होगा, 3 के बाद 7 फिर 12 फिर 18 फिर बताना है, कितना गैप है 4 का, कितना गैप है 5 का, कितना गैप है 6 का, कितना गैप होगा 7 का, 18 और 7 होता है 25, 25 और 8 35, क्या आंसर होगा इसका सी, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते 40वां क्वेश्चन, जो कि हमारा अ ट्रक है 300x, 20% ऑफ देम गो बैड, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन गुड कंडीशन इन द ट्रक। एक ट्रक में 300 अंडे है, उसमें से 20% अंडे खराब हो जाते हैं, इनमें से कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में है, क्या बोला है 20% खराब हो जाते हैं, तो हम निकालते हैं 20% ऑफ 300 क्या होगा, तो 20% निकालोगे 300 का तो वो निकलेगा आपका 60, तो कितने अंडे खराब हो गए 7, टोटल कितने थे 300, तो 300 माइनस में 60, 240 अंडे एकदम सही कंडीशन में, तो क्या आंसर है इसका डी, डी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 40वां क्वेश्चन, जो कि हमारे कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद हो 10th क्लास में अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी होगी, उसमें आपको वैल्यू पढ़ी होगी साइन 0, साइन 15, 30, 45, 60, साइन 90 ऐसे होती है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो याद रखना है इसका आंसर क्या है 3, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 42वां क्वेश्चन, जो कि हमारे कहते हैं द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल इज 42 सेंटीमीटर, हाउ मेनी मीटर विल इट कवर इन 400 राउंड्स। साइकिल की पहिए की आपको 42 सेंटीमीटर उसके मतलब पहिए की क्या बोलोगे रेडियस बोल लो, तो 400 चक्कर में कितने मीटर जाएगी, देखते हैं क्वेश्चन कहता है रेडियस दे रखा है, जब टायर घूमता है तो टायर की बात करते हैं हम सर्कमफेरेंस की, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है आपका 2πr, 2 इंटू में 22/7 और रेडियस की जो वैल्यू है रेडियस है आपका 42, 7, 6, 42, 44 इंटू में 6 आंसर हो गया 4
264, फिर क्या बोला उसने कितने राउंड मारे, 400 राउंड। 264 इंटू में 400 अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा, ये आएगा आपका 1056, आगे में 00, ये है सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 20 हटा दो, मतलब 1056 मीटर। क्या आंसर है इसका, बी, टू, टू इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 43 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन का रूट बताना है। क्या इक्वेशन है, इक्वेशन कहती है 5x² माइनस 7x प्लस में 2। तो क्या कहता है, मल्टीप्लाई करने पर 10 है, प्लस माइनस करने पर 7 है, तो 5x² माइनस में 5x माइनस 2x प्लस में 2। 5x कॉमन, ये बना x माइनस 1, माइनस का 2 कॉमन x माइनस 1, एक बना 5x माइनस 2 और एक बना x माइनस 1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक तो बनेगा 5x माइनस 2 बराबर 0, तो 5x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू होगी 2/5, तो एक तो बन गया ये, और एक बनेगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू होगी 1। क्या आंसर है, 1 और 2/5, तो क्या आंसर है इसका, ए, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन जो कि हमारे कहते हैं इफ 5x इज माइनस 13y इज इक्वल टू 3x माइनस 8y, ठीक है, कहता है 5x माइनस 13y इज इक्वल टू 3x माइनस में 8y। सॉल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन पे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, देखते हैं कैसे करेंगे। ऐसे करते हैं 5x माइनस में 3x इज इक्वल टू में माइनस का 8y प्लस का 13y, 2x बराबर में 5y, x अपॉन y बराबर हो जाएगा 5 अपॉन पे 2। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या ऐसे कर लो, इसको ऐसे ना जाके ऐसे जाओ, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 5y बाय पे 2। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोनों तरीके हैं, जैसे मान लो एक्स बाई वाई की आपको रेशियो मिलेगी 5/2। अब एक काम करो x के इसको ऐसे कर सकते हो, x की वैल्यू 5y/2 है ना, अब यहाँ पुट करते हैं एक्स स्क्वायर के बदले में 5y/2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, नीचे भी ऐसे ही 5y/2 का स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा 25y² अपॉन पे 4 प्लस में वाई स्क्वायर, 25y² अपॉन 4 माइनस में वाई स्क्वायर। सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर तो यहाँ आएगा 4 25y² प्लस में 4y², फिर 4 25y² माइनस में 4y², 4 से 4 कट गया, 25 और 4 होता है 29y² बट्टे पे 21y², ये y² कट गया, क्या आया 29 बट्टे पे 21। क्या आंसर हुआ इसका, बी, बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 45 क्वेश्चन जो कि हमारा इधर एक आपको फिगर यहाँ देनी थी बट आई थिंक वो फिगर यहाँ पे मिस हो गई है, तो मैं उस फिगर को आपको दोबारा बना के दे देता हूँ आपके लिए, समझने के लिए आसान हो जाएगा। फिगर लगाना आई थिंक फॉरगेट हो गया था हमसे। ये फिगर कुछ इस तरीके से है, ऐसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, नाम है ए बी सी डी, ए बी बराबर ए सी आपको दे रखा है, फिगर ये थी। आपको क्या बोला है, इन दो एंगल का सम निकालना है, ये और ये इक्वल है और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 40 डिग्री, ठीक है। ऐसे करेंगे, ये 40 है, ये और ये इक्वल है, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में तीनों एंगल 180 होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, मुझे पता है एंगल बी और एंगल सी सेम है, तो एंगल ए 40 प्लस में दोनों को मैं एंगल सी लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा मेरा 2 टाइम एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 40, मतलब में एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 140 डिवाइड बाई पे 2, मतलब हो गया 70 डिग्री का एंगल सी हो गया, ये 70 डिग्री का हो गया। अब एक प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है कि दो अंदर के एंगल का सम एक बाहर के एंगल के सम के इक्वल होता है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए डी सी प्लस में एंगल डी ए सी बराबर एंगल ए सी बी होंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, भाई कौन भी थी, तो ये कितना है 70 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन हो गया हमारा, इसका आंसर क्या हमारा थर्ड, थ्री इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है, ये बढ़ते हैं हमारा सेक्शन डी जो कि हमारा सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन कहते हैं आपको एक सीरीज दी गई है, आपको एक मिसिंग नंबर बताना है क्या है, तो देखते हैं नंबर क्या है, 7, 10, 16 और यहाँ पे 52, गैप है 3 का, गैप है 6 का, गैप होगा 12 का, फिर 24 का, 16 और 12 28, देखो आ गया आंसर 2, तो इसका आंसर हो गया।
बढ़ते हैं 47th क्वेश्चन जो कि हमारा एक तीन वर्ड दे रखे हैं, जिस तरह से तीन वर्ड का रिलेशन है आपको चौथे वर्ड का बताना है। जैसे कि फ्लाई का है बर्ड, बर्ड क्या करती है फ्लाई करती है, तो फिश क्या करेगी स्विम करेगी भाई तैरेगी, क्या आंसर है सी, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 48 क्वेश्चन जो कि हमारा इफ इन अ कोड सिगरेट को लिखा गया है, मैं दिखा देता हूँ सिगरेट को क्या लिखा गया, सी आई जी ए आर ई डबल टी ई, सिगरेट को लिखा है इन्होंने जी आई सी ई आर ए ई डबल टी, तो हमें बताना है कि डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, समझो इन्होंने क्या करा, सी को ऐसे लिखा, आई का आई रखा, जी ऐसे लिया, तो हम भी ऐसे ले आते हैं, आर को ले आते हैं यहाँ, आई का आई और डी ऐसे यहाँ पे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, ई को ले आए, आर का आर रखा, ए को यहाँ ले गए, भी वही करते हैं, टी को ले आते हैं, सी को ऐसे ही रखते हैं और ई को ले जाते हैं, क्या कुछ आंसर मैच कर रहा है भाई, देखो आंसर तो मैच कर रहा है हमारा, आंसर तो ये हो गया, ठीक है चेक करना है फिर भी तो हम कर लेते हैं। अगला इन्होंने क्या रखा है, ई को लेकर आए हैं, टी को सेम रखा है, टी लिख रहे हैं तो हम भी करेंगे, एन को लेकर आएंगे, ओ को सेम रखेंगे और आई यहाँ ले जाएंगे, मैच कर गया, कर गया, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन, देखिए हमारा श्याम्स ब्रदर इज राम एंड राम फादर इज महेश, प्रियास ब्रदर इज जगत एंड प्रिया इज श्याम्स डॉटर, हु इज द अंकल ऑफ जगत, ठीक है समझते हैं। श्याम का भाई राम है, यहाँ पे है श्याम, यहाँ पे है राम, श्याम का भाई है राम, ये है ब्रो ब्रदर। फिर कहते हैं कि राम के पिता महेश हैं, राम के जो पिता हैं जो इनके फादर हैं वो हैं महेश, प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है, श्याम की जो बेटी है वो है प्रिया और प्रिया का जो भाई है वो है जगत। पूछा क्या है, जगत और राम का क्या रिलेशन है, ठीक है देखो जगत के चाचा कौन है क्वेश्चन ये पूछा गया, तो देखो जगत के पापा है श्याम, ठीक है और श्याम का भाई है राम, तो जगत के चाचा कौन हुए राम, तो क्या आंसर है इसका ए, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 50वां क्वेश्चन जो कि मेरा आखिरी क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंड्स फेसिंग नॉर्थ ही रोटेट्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक आदमी यहाँ खड़ा है नॉर्थ से ज़रा देख रहे हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब होता है ऐसे, वो 90 डिग्री घूमा तो कहाँ पहुँचा, वो अब पहुँचा यहाँ, ठीक है। आफ्टर दिस ही अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो दोबारा 180 डिग्री गया है, यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है। अब क्या बोला, ही अगेन रोटेट्स 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, अब वो दोबारा 90 डिग्री चला गया सेम डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री आएगा तो कहाँ जाएगा वो आएगा यहाँ पे, मतलब साउथ पे, अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ में, तो क्या आंसर है इसका ए, साउथ इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन नंबर मॉडल सेट पेपर नंबर 10 खत्म होता है, आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिस हिसाब से आपको मैं हर वीडियो बताता हूँ हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।